नमस्कार, मैं हूं प्लास्टर और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज हम लोग आ चुके हैं गोविंदपुरा विधानसभा के पोलिंग बूथ पर, जहां हम लोग जनता से पूछने वाले हैं, अपने कुछ सवालों के जवाब जो है जनता से जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, आपने कितने बार वोट किया? वोट मेरी एज जो है 82 है, तो आप समझ लें हर 5 साल पे वोट जरूर देता हूँ। तो आप लोग, आप क्या सोच के वोट देते हैं? किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिंबल को वोट देते हैं? नहीं, अब जो पार्टी अच्छा काम करती है, जिनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, उनको वोट देते हैं। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में जो पॉलिसीज आई हैं, उसके आप लोगों को फायदे मिलते हैं? पॉलिसीज जो आई हैं काफी अच्छी हैं और इसमें और सुधार होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको लगता है सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, या फिर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए? सबसे ज्यादा विकास जो है एजुकेशन पे होना चाहिए। अगर एजुकेशन पे विकास होगा तो नॉर्म इसका इफेक्ट हर फील्ड पर आएगा, इसलिए एजुकेशन में बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए। आंटी, आपने कितने बार वोट? अभी तक कभी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए, हमेशा मेरा प्रयास रहा कि मैं ज़रूर वोट देने जाऊं, और कभी अगर किसी ऐसा जेन्यून रीज़न से नहीं दे पाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का। और मैं पार्टी देख के ही वोट देती हूँ नेचुरली, फिर पार्टी अगर अच्छी, ऊपर वाला अच्छा तो नीचे तो काम होता ही जाएगा ना। फिर मेरे हिसाब से जो हो रहा है विकास, दैट इज़ ओके, और आगे बढ़ना चाहिए, बट आदिवासी क्षेत्र में विकास और अंदर जो है विकास वो होना बेहद ज़रूरी है। ज़मीनी उसको लेकर के विकास जब हम करेंगे तब हम दिखावा नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल प्रगति तब होगी हमारी। पर्सन टू पर्सन प्रगति जिसे बोलते हैं वो तभी होगी जब हम नीचे के तबके से समाज के हर तबके को लेके अपनी कोशिश करेंगे, वास्तव में कोशिश करेंगे। और अगर हम ऐसा कोशिश कर पाएँ कि हम हर इंसान के मन में ये बात कर पाएँ कि बिजली पानी वास्तव में राष्ट्रीय संपदाएँ, वो हमारी व्यक्तिगत संपदाएँ हैं, उनका हम दुरुपयोग न करें, और कूड़े कचरे का प्रबंधन निहायत जरूरी है। मत गवर्नमेंट ने कोशिश बहुत की है, और सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट की कोशिश के साथ साथ हमें व्यक्तिगत आधार पर भी उसके लिए प्रयास करना। अच्छा, आप दोनों यूथ, आप दोनों ने बहुत सालों से वोट दिया, तो आप दोनों यूथ को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे वोट के बारे में कि वोट कितना वैल्यूएबल है, या फिर उनको वोट को कैसे यूज करना है, आप बताना चाहेंगे? ये वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो कई पार्टियां सिर्फ एक वोट से जो है जीती या हारी हैं। एक वोट की वैल्यू बहुत अधिक है। 7-8 ऐसे प्रसंग हैं जिनमें ऐसा पाया गया है कि सिर्फ कैंडिडेट एक वोट से जीता है। जैसा कि हमें इन दोनों से अभी बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन्होंने हमें वोट के राइट, मतलब वोट जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी बताया, इन्होंने सब चीज़ हमें बताया, हमारे जो सवाल थे उनके बेहद अच्छे आंसर्स दिए हमें। तो आगे की चुनावी गतिविधियों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।